लखनऊ चलो के हमारे खास कार्यक्रम में आज हम आगरा से इटावा तक का सफ़र करेंगे, लोगों से जानेंगे कि आखिर लखनऊ किसे भेजा जा रहा है। और ऐसे में अब हम इस समय लगातार एक रोडवेज बस में प्रवेश कर चुके हैं और यहां से अब हम इटावा के लिए सफ़र करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता किसे लखनऊ भेज रही है। आप बताइए कहाँ से आप आ रहे हैं? आगरा से। कहाँ जा रहे हैं आप? लखनऊ। किसे? लखनऊ है ना, मायावती सरकार जाएगी। मायावती? हाँ, क्या लग रहा है लगातार तो वो तो कमजोर हो रहा है, विधायक टूट के समाजवादी पार्टी में चलेगा। हाँ, लेकिन लग रहा है कि आएंगी बहन? आएंगी। आप बताइए किस तरह का माहौल चल रहा है? अब माहौल तो अच्छा ही चल रहा है। अखिलेश को आना चाहिए। यादव भैया आ रहे हैं, क्या लग रहा है कैसे आ रहे हैं? अच्छे से आएंगे इस बार, सीटें ज़्यादा निकलेंगी। हा? सीटें ज़्यादा निकलेंगी इस बार अखिलेश भाई की। माहौल? माहौल अच्छा है। कहाँ जा रहे हैं आप? कानपुर। लग रहा है कि अखिलेश कानपुर में 10 में से 8 सीटें बीजेपी को थी, 2 सीटें इरफान सोलंकी और अमिताभ वाजपेयी, 2 सीटें केवल समाजवादी पार्टी को थी, लेकिन इस बार क्या लग रहा है? ज़्यादा आएंगे। क्या नाम है भाई आपका? अजीत कुमार। क्या लग रहा है किस तरह का माहौल है, कहाँ जा रहे हैं आप? कानपुर जा रहे हैं, कानपुर के ही निवास जा रहे हैं, लेकिन लखनऊ? लखनऊ भैया किसको भेजेंगे? इतना युवक अपनी मार्कशीट वगैरह लेके ट्रक चला रहा है, ठेला चला रहा है, साला क्या है ये? नौकरी निकाल ले रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, ये सब क्या है? नौकरी दें युवकों को, रोजगार दें, उससे कुछ लाभ मिलता है। एक युवा भी हमारे साथ है, आप बताइए किस तरह का माहौल देख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं फिरोजाबाद जा रहा हूँ। किस तरह का माहौल है? आप तो फिरोजाबाद जा रहे हैं लेकिन लखनऊ किसे? लखनऊ इस बार सपा को अखिलेश जी को भेजूंगा, और पहले से कुछ चीज़ें बिगड़ी भी हैं, कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। जैसे महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है तो कानून व्यवस्था अच्छी हुई है। पहले से जैसे फर्जीवाड़े बहुत होते थे कि लोग हाई स्कूल इंटर ऐसे कर लेते थे, कहीं से भी फॉर्म भर दिए कर लिए, अब इस तरीके की चीज़ें नहीं है। बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं तो बिगड़ी हैं। सबसे ज़्यादा परेशान आदमी केवल महंगाई से है, सबसे ज़्यादा परेशान महंगाई से है। सब बेकार, अखिलेश को आना चाहिए यूपी में। कैसे भैया तुम मदद करेंगे? भैया मदद हमारे यूपी से बहुत बढ़िया मदद मिलेगी हमारे। अखिलेश यादव को आना चाहिए। और भी लोग आपसे जानना चाहेंगे, मैडम आपसे जानना चाहेंगे क्या लग रहा है घर चलाना पड़ता है, जो महंगाई मुद्दा है कि नहीं? मुद्दा है भैया, अब मुद्दा नहीं हो तो कैसे काम चलेगा? महंगाई बड़ी हुई है, दिवाली निकल के गई, दीपावली में तो उसमें महंगाई हो रही है मेरा। साथ में जा रहे हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है, ये मुद्दा बनेगा इलेक्शन? महंगाई सारे काम में चल रहा है, महंगाई क्यों नहीं है महंगाई भैया? क्या माहौल चल रहा है, किसे भेजना? माहौल तो मैं आगरा से इटावा जा रहा हूँ, इटावा वहाँ तक हम लोगों ने माहौल और रैयत तक का जायजा लिया है। मैं भी थोड़ा मीडिया से जुड़ा रहा हूँ इसलिए मेरे को जानकारी है। मेरे हिसाब से इसमें 70% आगरा से और रैयत तक अखिलेश के साथ मतदाता है, लेकिन 70% मतदाता उनके साथ है। वजह यह है कि प्रशासनिक अधिकारी जो हैं इनको इतनी खुली छूट कभी भी किसी सरकार ने नहीं दी। बेलगाम पुलिस, बेलगाम अधिकारी। कहाँ जा रहे हैं आप? शिकोहावा। शिकोहावा जा रहे हैं। शिकोहावा समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ है, सफाई किला है, लेकिन आप तो शिकोहावा जा रहे हैं, लेकिन लखनऊ किसे भेज रहे हैं? लखनऊ अखिलेश तो नहीं आएंगे, योगी आएंगे। अखिलेश सरकार में शिकोहावा से कोई आदमी पैसे निकाल के जाता है, स्टेशन तक पहुँच नहीं पाता, और अभी ये मोटरसाइकिल अगर आज छिड़ गई है तो सवेरे मिल जाएगी वो। आपको लगता है कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है? मजबूत है नहीं, बात महंगाई की, महंगाई तो तनख्वाह बढ़ रही है तो महंगाई होगी। आज आलू 900 से 1000 रुपये किलो है। बहुत बातें हुई महिला सुरक्षा को लेकर, आपको लग रहा है इस बार महिला सुरक्षा कोई परिवर्तन आया योगी सरकार? पहली बात तो जो पूर्व में सरकार थी और इस समय, सबको अपने काम पे विश्लेषण करना चाहिए, ठीक है, जो भी रहा इस समय क्या था या उस समय जब हमने इन्हें मौका दिया, क्योंकि पहले जो चीज़ें हमें नहीं मिली तो इनको मौका दिया, अब ये भी इसी तरह से करें तो वो ज़्यादा ठीक नहीं है। आगरा से इटावा का सफ़र अब हमारा यहीं ख़त्म हो रहा है, और ऐसे में एक बात निकल कर ज़रूर सामने आती है कि जो इस बार जो लड़ाई है वो योगी वर्सेस अखिलेश यादव है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार को लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन रोजगार और महंगाई ऐसे मुद्दे हैं जहां अखिलेश यादव का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है।